हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आ गई हूँ आपके लिए लेके दुबई सीरीज। यस, और आप एंजॉय करिए मेरे साथ इस ट्रिप को, और मुझे जरूर बताइए कि आपको मजा आया कि नहीं आया इन वीडियोस को देख के। आपको देखते रहना मेरे सारे वीडियोस, तो आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। फ्रेंड्स, हमारा ट्रिप जो है वो स्टार्ट हुआ था यहाँ से, इंदौर से, और इंदौर से हमने फ्लाइट ली थी मुंबई की। उसके बाद मुंबई से हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी दुबई के लिए डायरेक्ट। आज शाम तक हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट, और वहां से हम निकल गए थे दुबई के लिए। फाइनली हम निकल गए हैं दुबई के लिए। जी हाँ, और मॉर्निंग 5:30 अराउंड हम निकले थे, और बस सुबह होने ही वाली है। देखिए, उजाला हो गया है। हम निकले थे महू से, और महू से लगता है अराउंड 45 मिनट्स, बट सुबह सुबह बहुत कम टाइम लगता है, आधे घंटे में एयरपोर्ट पहुंचा जा सकता है। और देखिए, बस अब थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे एयरपोर्ट। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच गए एयरपोर्ट, और हमारी फ्लाइट है 9:35 की। जी हाँ, तो 2 घंटे पहले पहुंचना होता है इंटरनेशनल फ्लाइट के केस में। याद रखिए इस चीज़ को, 2 घंटे पहले बहुत सारे टास्क होते हैं दोस्तों। और वीज़ा के लिए हमने बहुत पहले अप्लाई कर दिया था, हमारे टिकट बुक करने से पहले, और ये अराउंड हमें पड़ा था 14,000 में दोनों का वीज़ा। जी हाँ, बस अपना लगेज सबमिट करके अब हम जा रहे हैं ऊपर। अब थोड़ी देर बाद हम अपनी फ्लाइट पकड़ेंगे, तब आपसे मिलते हैं। तो 9:30 बज चुके हैं, और बस अब हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे मुंबई, और दिन भर हॉल्ट है हमारा मुंबई में। हम वहाँ थोड़ा घूमेंगे, और उसके बाद हमारी शाम को 7:40 की फ्लाइट है। दोस्तों, जब जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ करती है, मुझे बड़ा मज़ा आता है। टेक ऑफ और लैंडिंग सबसे बेस्ट पार्ट होता है फ्लाइट का, अदरवाइज़ तो फ्लाइट का सफ़र बहुत बोरिंग होता है। और इस बार तो हमें बहुत ज़्यादा करना है यार, मतलब 3.5 घंटे हमको लगेंगे मुंबई से, और यहाँ से 1.5 घंटे, तो करीबन 4.5 घंटे की फ़्लाइट है। तो इट्स टू मच नहीं? और बादलों का नज़ारा देख के तो बहुत ही मज़ा आता है। बस ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी लगती है फ्लाइट में। ये देखिए, ये जो है, ये बादल दिखाई दे रहे हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। फ्रेंड्स, नज़ारे एंजॉय करते करते एक चीज़ आपको बता दूं मैं, कि हमको जो फ़्लाइट कॉस्ट है वो अराउंड पड़ा था 40,000। जी हाँ, हम दोनों का एग्जैक्ट फ़्लाइट कॉस्ट 40,000 ही पड़ा था। आना जाना हमारा 20,000 पर पर्सन में हो गया था, तो टोटल फ्लाइट कॉस्ट हमें 40,000 पड़ा था। हम पहुंच चुके हैं मुंबई फाइनली, और अब यहां से हमारा दिन भर का हॉल्ट है, तो हम टाइम वेस्ट क्यों करें, हम मुंबई घूमेंगे। फ्रेंड्स, मुंबई में मेरा कभी हॉल्ट नहीं रहा, तो मैं मुंबई एयरपोर्ट कभी ऐसे बाहर से देखी नहीं हूँ। हमेशा ऐसा हुआ है कि मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट रही है, जो कि डायरेक्ट कनेक्टिंग रही है, पर यहाँ पर एयरपोर्ट का नज़ारा देखने लायक था। वहाँ टाइम डिफरेंस 2 आवर्स का होता है। जी हाँ, 2 घंटे पीछे चलता है दुबई हमसे। तो हम यहाँ के अकॉर्डिंग रात के 12 बजे पहुँचे थे, और हम वहाँ पहुँच गए थे 10:30 बजे। तो
इस तरीके से था हमारा ट्रिप, और हम आपको आगे आगे बताएंगे कि हमने क्या क्या घूमा, कहाँ कहाँ घूमे और किस जगह हमको क्या चार्जेस पे करने पड़े, और हमारा जाने का फ्लाइट का क्या फेयर था आने का, और होटल का कॉस्ट, और वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियोस में बताएंगे। और आइटनरी वीडियो भी आपसे जैसे कि हम शेयर करते आ रहे हैं अभी तक, जैसे लास्ट गुजरात का किया, कश्मीर का किया, वैसे ही इसका आइटनरी वीडियो भी मैं ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे सारे वीडियोस देखते रहिए। तो आप दुबई तो घूमेंगे ही, साथ में अगर आपको ट्रिप प्लान करना है दुबई का, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे प्लान करना है, क्या प्लान करना है, कब जाना है। तो ये कार्ड पे आपका दोनों नंबर है मेरा, अच्छा ओके, आईडी का ही फोटो निकाल लो ना सबसे पहले, हाँ दोनों नंबर है मेरा। फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आ चुके हैं, हमने गाड़ी करी है, हम जा रहे हैं घूमने। तो क्या करते यार एयरपोर्ट पे बैठ के, 3 घंटे पहले एक्सेस मिलेगी हमको, तो हमने गाड़ी करी है और हम जा रहे हैं मुंबई देखने के लिए, और बैंड स्टैंड देखेंगे जाके। फ्रेंड्स अब हम आ गए बैंड स्टैंड, और जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ दिखाया था, ये देखिए ये है शाहरुख खान का बंगलो, पीछे जो बैक में दिख रहा है आपको, ये देखिए मैं जूम करके दिखा रही हूँ, और यहाँ मैं खड़ी हुई हूँ, और इससे जस्ट देखिए इस साइड जस्ट बाजू में ही, मतलब फ्रंट में ही सी लगा हुआ है एकदम, अच्छा प्लेस है, थोड़ा सा ह्यूमिड है बट ठीक है।